वेलकम टू द आशिमा शो। मौत के मुंह से बाहर निकल के चैन की सांस अभी अच्छे से ली भी ना हो और फिर से उसी आपत्ति की दस्तक महसूस हो, घबराहट होती है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस महामारी फैलाने वाले कोरोना वायरस के साथ। आपको सुनके हैरानी होगी, कुछ मामलों में देखा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का ठीक होने के बाद फिर से कुछ दिन बाद टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन बातों में तो कोई दोराय नहीं है कि डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट अभी भी इस वायरस को अच्छे से नहीं जानते हैं। ऐसे मामले चाइना से तो सामने आए ही थे, अब साउथ कोरिया में भी यही देखा गया है। साउथ कोरिया में 91 ऐसे कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट सामने आए हैं जो पहले इसके संक्रमण की चपेट से निकलकर घर जा चुके थे। इस घटना ने हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए काफी क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं। अब इम्यूनिटी पर डाउट किया जा रहा है क्योंकि अधिकतर देश ऐसा मान रहे थे कि संक्रमित लोगों का इलाज करने के बाद उनमें इतनी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी आ जाएगी कि वे फिर से इसकी चपेट में नहीं आएंगे। साउथ कोरिया के इन मामलों ने उन्हें फिर से चिंता में डाल दिया है। संकेत मिले हैं कि यह वायरस पेशेंट की बॉडी में जितना पहले एंटीसिपेट किया गया था उससे ज्यादा टाइम के लिए परसिस्ट कर सकता है। कोरिया यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शन पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर व्यू चेताते हैं कि 91 का आंकड़ा शुरुआती भर है, ये नंबर और बढ़ सकता है। फिलहाल अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है इस पर कुछ साफ नहीं, फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को आने में समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ठीक हो जाने वाले पेशेंट्स का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, पर अभी तक जो ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, द कोरिया सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर का मानना है कि वायरस इन लोगों में फिर से नहीं आया है बल्कि रीएक्टिवेट यानी कि फिर से सक्रिय हुआ है। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रीजन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो रीइंफेक्टेड पेशेंट है उसके अंदर लो लेवल्स ऑफ वायरस प्रेजेंट थे जब उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी और टेस्टिंग में वो पकड़ में नहीं आए यानी कि परीक्षण विफल रहा। दूसरा, ऐसा होने की भी संभावना है कि जो नेगेटिव टेस्ट किया गया था दैट वॉज डन पुअरली, या फिर टेस्ट करने के लिए जिस बॉडी पार्ट को टेस्ट किया गया था वहां से वायरस डिटोरेट हो चुका था। जैसे कि मान लो सिर्फ गले को टेस्ट करना काफी नहीं है नेगेटिव रिपोर्ट देने के लिए क्योंकि वायरस शरीर में कहीं और छिपा हो सकता है। तीसरा, साउथ कोरिया के द कंट्रीज हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक्समैन ने सफाई दी कि किसी भी मरीज को तभी पूरी तरीके से ठीक करार दिया जाए जब 24 घंटे के गैप पर उसके दो टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आए। अगर 24 घंटे का गैप दिए बिना टेस्ट किया जाए और दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आए तो ये गलत हो सकती है। ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनमें ये पता लगा है कि नेगेटिव टेस्ट हर बार ये निश्चित नहीं करता है कि उस व्यक्ति में कोई वायरस नहीं है। इस बारे में WHO ने कहा कि सैंपल कलेक्शन प्रोसेस में सावधानी बरतें। न्यूयॉर्क के एक वायरोलॉजिस्ट यानी कि वो लोग जो वायरसेस की स्टडी करते हैं वे भी हैरान है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि रीइंफेक्शन यानी कि पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये इतने कम समय में संभव नहीं है। डॉक्टर्स का मानना है कि माइल्डेस्ट ऑफ इन्फेक्शंस को भी रिकवरिंग पेशेंट्स के अंदर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी देनी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या पहले के एपिडेमिक्स में ऐसा कुछ हुआ है। आपको बता दूं कि जो ये कोरोना वायरस है COVID-19, ये मिलता जुलता वायरस है SARS और MERS की फैमिली से, और SARS में रीइंफेक्शन का कोई भी केस सामने नहीं आया था। सिर्फ एक केस जो सुनने में आया था वो था एक MERS के पेशेंट का। तो ये कोरोना वायरस इस एस्पेक्ट में कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाते हुए ये सवाल ध्यान रखना बहुत अहम है कि उस वैक्सीन से इंसान की इम्यूनिटी कब तक इफेक्टिव रहेगी यानी कि बचाव कर पाएगी, खासकर अगर ये वायरस इन्फ्लुएंजा जैसा मौसमी खतरा बन जाता है तो काफी समय तक दिक्कत दे सकता है। अब देखते हैं कि कौन से हफ्ते में कोरोना का मरीज सबसे ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेता है। हांगकांग में हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक संक्रमित मरीज पहले हफ्ते के दौरान दूसरे लोगों को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले सकता है यानी कि संक्रमित कर सकता है। एक स्टडी की गई है जिसमें 23 लोगों का स्लाइवा लिया गया है जो 33 से 75 साल की उम्र के बीच थे। इस इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स में इस वायरस का लोड पहले 7 दिन सबसे ज्यादा रहता है जो कि धीरे धीरे कम होता जाता है। रिसर्चर्स ने बताया कि पहले हफ्ते जब तक पेशेंट डिटेक्ट नहीं हुआ होता ना ही हॉस्पिटलाइज हुआ होता उस वक्त इस वायरस का संक्रमण दूसरे लोगों तक आसानी से फैल गया होता है। रीइंफेक्शन के केसेस क्योंकि अभी इंडिया में सामने नहीं आ रहे हैं तो इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।